आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर में जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा काफी ऐसे फेसबुक में पेज है, ट्विटर में ट्विटर हैंडल्स है, और व्हाट्सएप के माध्यम से काफी ऐसे ग्रुप्स हैं, और खासकर यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे बहुजन चैनल जो अपने आप को कहते हैं कि ये बहुजन चैनल है, जो कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों के जो विचार हैं या जो बहुजन समाज की जो आवाज़ है उसको ऐसे चैनल्स आपके सामने लेकर आते हैं, जो भी ऐसे जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन सबसे एक चिंतनीय विषय है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज मेरी एक बहुजन साहित्य नाम का एक यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा काम करने वाला चैनल है जिसको ऑपरेट करते हैं रजत मोर जी, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले ही फोन पे बात हो रही थी, तो उनकी बातें मुझे दिल को छू गई। उनकी बातें ये थी कि वो ये कह रहे थे जब तक बहुजन समाज का जो युवा है या बहुजन समाज के जो लोग हैं, यदि हमारे महापुरुषों के जो साहित्य उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो साहित्य के माध्यम से आज उपलब्ध है, उसको पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे कि उनके विचार क्या थे। सिर्फ हम लोग भाषण सुनकर अगर आप कोई बात बोले, कोई काम करे, तो मेरे ख्याल से वो उतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं रहेगा। यदि हमने बाबा साहब की जो लिखित पुस्तक है जाति निर्मूलन, शूद्र कौन और कैसे, ये जो किताबें हैं, जैसे ज्योतिबा फूले की किताबें गुलामगिरी, पेरियार साहब की बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, तथागत बुद्ध का बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है, ये सब नाम हम जानते हैं। एक किताब और मुझे याद आती है, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, ऐसे काफी किताबें हैं, काफी साहित्य हैं जिसको आप सभी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी विषय वस्तु क्या है जानना चाहिए। लेकिन आप कैसे समझेंगे, क्योंकि आपके पास तो इन सब चीजों की जानकारी आप लेने का आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा, इस चर्चा को कृपया करके पूरा एक बार देख लें, फिर उसके बाद खुद आप डिसाइड करें कि आपको बहुजन साहित्य को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए। इन्हीं सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करने के लिए हमने आज रजत मोर जी को इन्वाइट किया हुआ है, जो इसी नाम से एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है बहुजन साहित्य। आखिर बहुजन साहित्य के नाम से उन्होंने चैनल क्यों बनाया, और बहुत सारी ऐसी बातें हम उनसे पूछेंगे। उसके पहले मैं रजत जी आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। जय भीम। धन्यवाद पासवान जी। जय भीम, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया अपने चैनल को, तहे दिल से धन्यवाद। रजत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता, जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में कहा कि बहुजन साहित्य को हमारे जो समाज के लोग हैं वो पढ़ते नहीं है, तवज्जो नहीं देते, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, बहुजन साहित्य जो है ना, पहले तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि बहुजन साहित्य है क्या। जितना मैंने समझा है बहुजन साहित्य को, अगर मैं एक लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करूं, तो बहुजन साहित्य एक क्रांति बीज है। ये एक ऐसी क्रांति पैदा कर सकता है जो आपने अंबेडकर के अंदर देखी है, फूले के अंदर देखी है, और पेरियार के अंदर देखी है। इन सभी ने जो कुछ अपने जीवन में अर्जित किया, जिस ज्ञान को अर्जित किया, जिस चीज को समझा, जिन समस्याओं से ये लोग गुजरे, ये यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बहुचर्चित हैं, ये नाम सभी को पता है, इसलिए। तो इन्होंने अपने जीवन में जिन समस्याओं को फेस किया, उनको उन्होंने अपने लिखित दस्तावेज के तौर पर हमें दिया है, जिससे कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको पढ़े और उनको समझे, और उससे सीख कर वो आगे अपने लिए नए भविष्य के दरवाजे खोले। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप जब देखेंगे कि स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता है, कॉलेज में हमें क्या पढ़ाया जाता है, जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर अंबेडकर का जिक्र मिलता है हमें, फूले का जिक्र कहीं नहीं मिलता, माता सावित्रीबाई का जिक्र कहीं नहीं मिलता, बुद्ध का जिक्र बहुत कम जगह पर मिलता है, अंबेडकर का भी अगर जिक्र मिलता है तो केवल संविधान के निर्माता के तौर पर मिलता है, जबकि खुद अंबेडकर बहुत बड़ी ख्याति हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है उनके, उनका दार्शनिक, उनका जो पूरा जो साहित्य है वो बहुत बड़ा है। उस पूरे साहित्य को हम भारत में, जो भारत की गवर्नमेंट है वो नहीं पढ़ाती। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमें जो हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे
जिन्होंने पूरे समाज को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनका जो लिखा हुआ साहित्य है वो जब हमें स्कूलों में नहीं पढ़ने को मिलता, कॉलेज में पढ़ने को नहीं मिलता, जब आप बहुत बड़े बड़े जो संस्थान है जैसे JNU हो गया या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वहां जब जाते हैं आप तब पढ़ पाते हैं। और वहां पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या, अगर मैं दलित समाज की बात करूं तो केवल 1% है, दलित तबके का मात्र 1% उन संस्थानों में पहुंच पाता है। तो जो बाकी के जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं कि बहुजन साहित्य क्या होता है। उनकी नजर में अंबेडकर का मतलब है केवल जय भीम बोलना और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया कि उनके जो पुरखे हैं उन्होंने क्या लिखा है। गुलामगिरी अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले तो हिंदू धर्म वो उसी दिन त्याग देगा। अगर वो जाति का निर्मूलन, इनहेलेशन ऑफ कास्ट अगर कभी पढ़ ले उठाकर ध्यान से, तो वो हिंदू धर्म को उसी दिन छोड़ देगा। ये जो चीजें है ना, ये जो कॉन्ट्रेडिक्शन अगर आप देख रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि बहुजन साहित्य की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो रजत जी, आपने जो चैनल चालू किया, तो इसके अलावा देखिए बहुत सारे चैनल है, जैसे बहुजन टीवी के नाम से है, नेशनल दस्तक है, या बीला बाबा साहब, और बहुत सारे चैनल है, सभी का नाम नहीं लेता, बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कहीं ना कहीं कुछ न्यूज बना के देते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो बताते हैं अपने लोगों को जागृत करने के लिए। उसी बीच में आपके दिमाग में कहां से आइडिया आया कि एक ऐसा भी चैनल हो जो बहुजन साहित्य की बात करे और लोगों को बहुजन साहित्य के बारे में रूबरू कराए, या आपने ऐसा कैसे सोचा? आपने YouTube पर ही एक चैनल है ललन टॉप, बहुत बड़ा चैनल है, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। उस चैनल पर एक एपिसोड आता है, एक प्रोग्राम आता है किताब वाला। मैं क्योंकि मुझे निजी तौर पर भी किताबों में हमेशा से रुचि रही है, तो मैं उस किताब वाले का जो सेक्शन था वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करता था। मैंने आज तक की डेट में वहां पर नहीं देखा कि किसी भी बहुजन लेखक, किसी बहुजन साहित्यकार की किताब के बारे में चर्चा की गई हो या किसी बहुजन लेखक को बुलाया गया हो। वहां पर मुझे ये चीज समझ में आई कि ये चीज पहले भी मैं समझ गया था कि बिना किताबों के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रांति किताबों से ही आती है। अंबेडकर अगर अंबेडकर बने तो किताबों की वजह से बने। अगर अंबेडकर ने 3000 साल की उनकी तकियानुसी चीजों को खत्म किया मात्र 40 साल के समय में, तो किताबों की वजह से कर पाए। तो वहां पर मैंने ये देखा कि किताबों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, जो बहुजन स्पेशली जो बहुजन साहित्य है उसके बारे में चर्चा नहीं होती, या आप वैसा काम करो जो ऑलरेडी यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ऐसा करता हूँ, मैंने किताबें पढ़ना और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करा। पहले मैं सिर्फ अंबेडकर को पढ़ता था, फूले की किताब, एक किताब गुलामगिरी मैंने पढ़ी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने और साहित्य, जो नए जो साहित्यकार हैं, जिनमें आप देखेंगे कि जो मंडल कमीशन के ऊपर अभी जो किताब आई, बहुत शानदार किताब है, जय पेरियार की जो किताबें अभी मेरे सामने ही रखी हुई है, ये देखिए। तो इन किताबों को जब मैंने पढ़ा और फिर जब मैं इनको, मैंने सोचा कि अब डिटेल में लोगों को इन किताबों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक अपर क्लास का जो पर्सन है, जो अपर कास्ट का जो पर्सन है, वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं लगातार बेसिस पर, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने साहित्य को प्रमोट नहीं कर पा रहे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक ट्रायलॉजी बुक है अमीश करके पर्सन है उनकी, जो शिव के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है, जो उनके लॉर्ड शिवा जो है उनके ऊपर 3 किताबें, उनकी चर्चा आपको हर जगह मिलेगी। जैसे अगर आप कोई रोमांटिक किताब की अगर सर्च करेंगे तो चेतन भगत जो हैं, उनकी किताबों की चर्चा आपको हर जगह मिलेगी। लेकिन बहुजन साहित्य जो है, बहुजन लेखक, पेरियार के ऊपर जो किताबें लिखी हुई है, सच्ची रामायण का जो नया एडिशन आया है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इनके ऊपर भी तो बात कीजिए, इनके ऊपर भी तो चर्चा कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आप जातिवादी हो, इसलिए आप करोगे नहीं। तो फिर हमें खुद ही तो ये डिसीजन लेने पड़ेंगे ना, कि अब समय आ गया है कि हम दूसरों की तरफ ना देखें। बुद्ध का जो सिद्धांत था कि अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो इसीलिए मैंने ये चैनल खुद ही स्टार्ट किया। मैं ठीक है, आगे जो समस्याएं जो आएंगी उनको देखेंगे, फेस करेंगे, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपने माध्यम से जितना ज्यादा हो सकता है बहुजन साहित्य को प्रमोट करूंगा। जो मंडल कमीशन है उनके ऊपर जो एक किताब है मंडल कमीशन, उस पर मैंने बात की है। इस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। जैसे अभी मैं अगर आपको बताऊं, ये 2 किताबें मैं ऑलरेडी मंगवा चुका हूं, है ना, ये 2 किताबें हैं, बहुत, मैं इनका नाम बता देता हूं, हिंदुत्व मुक्त भारत, कांचा एलैया जी की है, ये किताब बैन कर दी गई थी, ठीक है। और हाँ, एक ये टॉनी जोसेफ की किताब है आरंभिक भारतीय, ठीक है।
तो इस तरीके से किताबों को मैं कंटिन्यूसली मंगा रहा हूँ, नई किताबें और आ रही हैं, उनके रिव्यूज डाल रहा हूँ। और आपने जैसे नोटिस भी किया होगा कि मैं सिर्फ रिव्यू के साथ रिव्यू ही नहीं डालता, उन किताबों के इनसाइट जो अंदर जो कुछ चीजें ऐसे मटेरियल होता है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं डायरेक्ट वीडियो पे आके पढ़ के भी बताता हूँ। जिससे क्या लोगों को क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत स्कॉलर लोग इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जिसको पढ़ना आता है वो किताब मंगा के पढ़ सकता है खुद भी। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको आगे और बड़ा करूं, और जितना ज्यादा हो सकता है मैं इसको और बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। लेकिन ये एक लंबा काम है, मतलब इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि एक किताब को मंगा के आपको भी पढ़ना पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसी बहाने आप भी किताबें पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको भी हालांकि मुझे तो सर पहले से भी दिलचस्पी थी किताबों में, तो मैं पढ़ते रहता था, लेकिन अब इसको और प्रोफेशनली भी मैं कर रहा हूँ। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि नोट्स बनाना है, पहले मैं ये सारी चीजें नहीं करता था, लेकिन अब मुझे बाकायदा नोट्स बनाता हूँ, किसके बारे में क्या बात करनी है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज। मतलब आपको डीपली उसका नॉलेज हो रहा है, ये अच्छी बात है जी। और आपके माध्यम से यदि दर्शकों को भी नॉलेज हो रहा है तो ये तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन जरूरत इस समय यह है कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस चर्चा को देख रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आपको डर जाते, घबरा जाते हैं। आप कई बार बोलते हैं कि हमारा मीडिया नहीं है, मनुष्य मीडिया है, मनुवादी मीडिया, हमारी बात कोई नहीं रखता है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा मीडिया कैसे बनेगा? हम लोग आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको 1 करोड़ रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, 1,000 रुपए दो, या 100 रुपए भी दो, हम आपसे ये कुछ नहीं चाह रहे हैं। मैं जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बहुजन समाज के यूट्यूबर हैं, जो अच्छी बात बता रहे हैं, जो सच्ची बात बता रहे हैं, और एक ऐसी बात बताने का दम रख रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, जो कोई बताता नहीं है, डरते हैं लोग। तो जो बात बताने के लिए आपके बीच में है, जैसे बहुजन साहित्य के माध्यम से रजत जी प्रयास कर रहे हैं, तो आपको करना यह है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो आप इनके वीडियोस को जाकर देखिए। और ऐसा नहीं कि वीडियो 2 मिनट देखिए उसके बाद आपको दूसरा काम आए, ऐसा नहीं। 5 मिनट के वीडियो होते, 10 मिनट के वीडियो होते, देखिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप जाते से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप कम से कम 3-4 वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे चैनल होना चाहिए हमारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप निश्चित रूप से आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए अल्टीमेटली आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर जितने बहुजन यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनको सभी को अगर एनालाइज करेंगे तो वो उनमें मैक्सिमम लोग सिर्फ केवल एक ही काम कर रहे होते हैं, वो जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज होते हैं उन्हीं को उठाते हैं और उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उससे आपको कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता। जबकि बहुजन साहित्य या और बाकी के जो कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जैसे साइंस जर्नी हो गया, इस तरह के कुछ चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो साहित्य को खंगाल रहे हैं, वो साहित्य की जड़ों में पहुंच रहे हैं और वहां से आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, कभी भी क्रांति जो होती है ना वो बंदूक से नहीं होती, वो सोच से होती है। और सोच में परिवर्तन तब आता है जब आप पढ़ते हो, जब आप चीजों को समझते हो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, चीजों को समझोगे नहीं, तो आपके अंदर आपकी जो सोच है उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। बहुजन समाज का जो एक बहुत बड़ा जो तबका आज भी अंधविश्वास या हिंदू धर्म में आस्था बनाए रखा हुआ है, उसका बहुत बड़ा एक रीजन ये है कि उनको बहुजनों का जो साहित्य है वो कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया। अगर पासवान जी, अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज और नोटिस करेंगे कि जो बहुजन साहित्य है ना, वहां पर आपको कोई रोमांटिक कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी, वहां पर आपको कोई फैंटेसी टाइप की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेगी, या कोई ऐसी चीज जो बस एक मानसिक कल्पना जो है, उस तरह की कुछ आपको साहित्य नहीं मिलेगा। बहुजन साहित्य जो समस्याएं हैं उसके विरोध में लिखा गया है, उनके सॉल्यूशन को लेकर लिखा गया है। तो बहुजन साहित्य को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी को जो पता है उन किताबों के बारे में, नाम पता होगा सभी को, लेकिन अंबेडकर की बहुत सारी, जैसे हिंदू धर्म की एक हिंदू धर्म की पहेलियां, इस नाम से अंबेडकर की किताब है ना, ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को, मेरा मानना 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। तो ये अब अगर किसी ने अगर हिंदू धर्म की पहेली अगर पढ़ लिया तो वो जिंदगी में हिंदू धर्म की तरफ मुंह नहीं कर देखेगा, इतने डिटेल में लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी अंबेडकर ने कुछ भी जाके बोल दिया है, उन्हीं के धर्म ग्रंथों को पढ़कर, उन्हीं के धर्म ग्रंथों को कोट करके सारी चीजें लिखी हुई है। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म ना, इंग्लिश में रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां। तो ये चीज कैसे लोगों तक जाए, जैसे अभी ये टोनी जोसेफ की किताब मेरे हाथ में है, आरंभिक भारतीय,
अब इसकी जो विषय वस्तु है इसमें इन्होंने तीन प्रश्नों का उत्तर दिया है, हड़प्पा के लोग कौन थे, जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, क्या आर्य बाहर से आए थे। अब इन तीन सवालों का उत्तर इस किताब में दिया हुआ है, लेकिन कितने लोगों हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई किताब है भी। तो जब तक हम जैसे लोग आगे आकर उनको नहीं बताएं कि इस तरह की किताब है, इस तरह की किताब में इस तरह का मटेरियल है और आप लोग को ये चीज पढ़नी चाहिए, तब तक उनके दिमाग में, उनके सोच में परिवर्तन ही नहीं आ सकता। और यही वजह है कि पिछले 70 सालों में जो अंबेडकर ने जितनी पूंजी इकट्ठी करके रखी थी, जितनी वैचारिक पूंजी जितनी बौद्धिक पूंजी इकट्ठी करके रखी थी, वो धीरे धीरे पतन की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और हम लोगों ने कोई ऐसी कोशिश नहीं करी कि उनके साहित्य को, उनके दार्शनिक, उनके विचारों को हम लोगों तक ले जा पाए, उन लोगों तक पहुंचा पाए। इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश केवल यही है कि जो बहुजन महापुरुष रहे हैं उनकी विचारधारा को घर घर पहुंचाना है, क्योंकि आज जो पूरा जो समय चल रहा है, तकनीकी क्रांति का समय है, यहाँ पर सारी चीजें डिजिटल हो रही है। जब आप सर्च करेंगे ना गूगल पर, तो गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिएगा बाबा साहेब, तो आप देखेंगे कि हर महीने बाबा साहेब के नाम से सर्च कितना होता है, वहां पर आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था के नाम से कितना सर्च होता है, और वहीं पर आप ये देखिए कि बाबा साहब के व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में कितना सर्च हो रहा है। तो आपको तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा, लोग बाबा साहब के व्हाट्सएप स्टेटस को सर्च कर रहे हैं लेकिन उनके साहित्य को सर्च नहीं कर रहे हैं। मेरे जैसे जो लोग हैं, जैसे साइंस जर्नी का मैंने नाम लिया है यहाँ पर, तो हम लोग बहुत टफ काम करते हैं निजी तौर पर आपको बताऊं, क्योंकि घंटों तक बैठ के एक किताब को पढ़ना, अब जैसे ये जो किताब है ये अगर एक आम आदमी अगर पढ़ने बैठता है तो वो एक महीना लगा देगा, हम इस किताब को मात्र 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर देते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं उस पर। तो ये ऐसा काम है, मतलब कि हम जो बहुजन तबका है उसके लिए हम रेडी टू ईट दे रहे हैं, जैसे स्नैक्स जो होते हैं जो आपको मैकडॉनल्ड्स में मिल जाते हैं रेडी टू ईट चलते चलते खाली, कुछ इस तरह का है कि हमने एक टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक के ऊपर हमने जो बहुजन विचारधारा है, जो बहुजन लेखकों ने लिख रखा है, उसके ऊपर हमने एक 10 मिनट का वीडियो बना दिया, 5 मिनट का वीडियो बना दिया, आपको चलते चलते केवल उस वीडियो को देखना है और उसमें जो विचार बताए गए हैं उसको आत्मसात करना है, उसको समझना है, उसको अपने जहन के अंदर उतारना है, केवल उतना काम करना। चलिए रजत जी, आपने काफी महत्वपूर्ण समय दिया और मैं जानता हूँ कि वीडियो भी लंबा होते जा रहा है और हमारे दर्शक तो ऐसे हैं कि बहुत व्यस्त रहते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से जाइए और बहुजन साहित्य नाम का जो चैनल है YouTube पर उसको सपोर्ट कीजिए।